कल नहीं मिली था मुझसे, इधर तो खड़ा हुआ था यहाँ। हाँ मैं मिली हूँ कल। मैं भी तो, और जो कुछ भी हुआ आजरा उसमें गलती सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी है। लेकिन मैं तुम्हें बुरा समझूंगा, तुमसे नफरत करूंगा। नहीं आसिफ, कोमल की माँ ने जो कोमल के साथ किया है उसके बावजूद भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, जबकि हादी ने भी कोमल का साथ नहीं दिया। अब तो अहमद भी कोमल पर हाथ उठाना शुरू कर देगा। कोमल को छोड़ने वाला तो नहीं लेकिन जमल को बहुत जलील करेगा। बार बार उसे कहेगा कि तुम्हारा कज़न जो हमारी शादी तोड़ना चाहता है, तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है। कोमल बर्दाश्त करती रहेगी और कोमल दिल ही में ये फैसला कर लेगी कि वो किसी सूरत अपने घर वालों से और हादी से मदद नहीं लेगी। लेकिन जब अहमद का जुल्म हद से बढ़ेगा और उधर हादी की मोहब्बत उसे याद आएगी तो वो फिर खुद ही घर छोड़कर वापस आ जाएगी और वही हादी होगा जो उसकी दिलजोई करेगा, उसका सहारा बनेगा। फिर कोमल की माँ को अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा और वो हादी के वालदेन से और हादी से माफ़ी मांग लेगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन कौन कोमल और हादी को एक साथ देखना चाहता है कमेंट करके अपनी कीमती राय से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मेरे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बआसानी और वक्त पर मिलता रहे।